अगर मन में जीने की चाह और दिल में उमंग हो तो हम अपनी मेहनत और लगन से हर बुलंदियों को छू सकते हैं। जी हाँ, ऐसी ही लड़की की हम बात कर रहे हैं जो कि कांगड़ा जिले के ज्वाली दरकाटी की रहने वाली है, वर्षा चौधरी। हैरानी की बात यह है कि कभी वह स्कूल नहीं गई लेकिन फिर भी कविताएं लिख लेती है। अगर मन में जीने की चाह और दिल में उमंग हो तो हम अपनी मेहनत और लगन से हर बुलंदियों को छू सकते हैं, क्योंकि हमारे हौसले हमें वहाँ तक ले जाने में पूरा पूरा साथ देते हैं। अक्सर लोग अपनी कविताओं को शुरू में शौकिया तौर पर लिखते हैं। जाहिर सी बात है कि कविताओं से लोगों की पहचान भी मिल जाती है, और अगर यदि कोई कभी स्कूल भी ना गया हो और कविता लिखने का हुनर रखता हो तो स्वाभाविक रूप से हैरत अंगेज लगेगा। जी हाँ, ऐसी ही लड़की की हम बात कर रहे हैं जो कि कांगड़ा जिले के ज्वाली दरकोटी की रहने वाली है, वर्षा चौधरी। हैरानी की बात है कि वह कभी स्कूल नहीं गई लेकिन फिर भी कविताएं लिख लेती है। 28 वर्षीय वर्षा बताती है कि वह शारीरिक रूप से अक्षम है इसलिए स्कूल नहीं जा पाई। उसने घर में ही पढ़ना लिखना सीखा। लगभग 9 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। शुरू में जब लिखना नहीं आता था तो वह अपने भाई को बताकर अपने मन के भावों को कागज पर व्यंग करती थी। वर्षा ने बताया कि मैं पोइट्री लिखती हूँ और लाइफ में चैलेंज लेने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव हमेशा होना चाहिए। वर्षा ने बताया कि वह अपनी सकारात्मक सोच से देश, समाज और हिंदी के लिए कुछ करना चाहती है। जीवन के किसी पड़ाव पर कभी किसी मंच पर बोलने या लिखने का मौका मिले तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। वर्षा मेरी बड़ी बहन है और मुझे अच्छा लगता है लिखना वगैरह, तो हमें भी अच्छा ही लगता है, हम भी खुश हैं। और ज़्यादा मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मैं बचपन में पढ़ता था तो साथ में ये भी मुझे भी पढ़ाती थी, और मतलब साथ में ही पढ़ते थे हम जब मैं स्कूल जाता था, तो बस वैसे ही सीखा है उसने सब कुछ। स्कूल वगैरह तो ये बिल्कुल भी नहीं गई है, जो भी है घर पे आके पढ़ा है हम दोनों साथ में। और बाकी तो इसे लिखना अच्छा लगता है, कविताएं वगैरह तो लिखते रहती है बैठ के आराम। वहीं वर्षा चौधरी के पिता बलदेव राज का कहना है कि हमने अपनी बेटी को ऑल इंडिया कोई भी अस्पताल नहीं छोड़ा लेकिन डॉक्टरों को आज तक इसकी बीमारी हाथ नहीं आई। उनका कहना है कि सरकार ने ऐसी आज तक कोई मदद नहीं की है, यहाँ तक कि इसे अपाहिज पेंशन भी अब एक साल हुआ है सरकार की तरफ से लगी हुई है, लेकिन दुख की बात है कि जो सरकार बड़े बड़े वायदे करती है और दावे करती है वो यहाँ पे सारे खोखले दिखते हैं। वर्षा हमारी लड़की है और ये इसको हमने पूरा ट्रीटमेंट करवाया था 7 एयरपोर्ट हॉस्पिटल कानपुर में, PGI संजय गांधी PGI लखनऊ, और बेस हॉस्पिटल दिल्ली, रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो इसका नहीं हुआ था। और लास्ट में उन्होंने बता दिया था PGI वगैरह वालों ने कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंस के बाहर की हैं। और उसके बाद तब से ये घर पे ही है अभी, और इसको इधर उधर ले जाने में बड़ी दिक्कत सी आती है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं कहीं भी। और बाकी इसका अपना जो है, इसने जब TB नहीं होते तो हमने अपनी केबल डालकर TB दबाया था, उसी से इसने पढ़ना लिखना ये सारा सीखा है। और फिर मोबाइल आ गए हैं तो मोबाइल की वजह से इसने इसको अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, ये इंग्लिश में बोल भी लेती है सब कुछ। एस्ट्रोलॉजिस्ट या किसी का रिश्ता जो ना किसी का मोबाइल ख़राब हो जाएगा ये ठीक कर देगी, आसपास के जितने भी हैं बच्चे हैं किसी का मोबाइल नहीं चलेगा तो इसके पास आएंगे कि ठीक करना है, ये तो ये कर देती है उसको, ठीक रहती है। किसी का सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली है इसे, और पेंशन अभी दी, अभी लगवाई है हमने बड़ी मुश्किल से चक्कर काट काट के, इसका वो आधार कार्ड ही नहीं बन पाता था, वो उसका वो इसके फिंगरप्रिंट ही नहीं है, आ ही नहीं रहे थे तो वो नहीं हो पाता था, फिर भी हमने बड़ी कोशिश की था, हॉस्पिटल में लेके गए थे, अभी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा दिया इसका, तो अभी पहली पेंशन मिली है इसको, तो 1300 रुपया, 1300 रुपया क्या करना है लेकर उसको, तो हम लोग वैसे भी खुश नहीं है इससे। अभी तक तो चलो जैसे हम लोग काम जॉब करते थे तो पेंशन लगी है, घर का चल रहा है थोड़ा बहुत, तो भी जब हम नहीं होंगे तो तब क्या होगा। वर्षा चौधरी की माता इसे भगवान की देन मानते हैं। उन्होंने बताया कि आज तक ये कभी स्कूल नहीं गई लेकिन फिर भी अच्छा लिख पढ़ लेती है। ये ना वर्षा चौधरी मेरी बेटी है, 18 साल की हो गई है, और तब से हम इसकी केयर कर रहे हैं, ये भी हमारी बड़ी ख्याल रखती है,
जैसे हम इसका ख्याल रखते हैं तो ये भी हमारा रखती है, मेरे बेटा बेटी है, बहू है, ये भी गोविंद का ख्याल रखते हैं, कहीं भी लेके जाना होगा तो बेटा ही उठाता है। मैं तो मैं खुद अपाहिज हो गई हूँ तो इतना नहीं कर पाती इसका, पर ये कर लेती हैं। और ना ये कविता वगैरह लिखती है ना, तो पता नहीं गॉड गिफ्ट ही है इसको, कहाँ से सीखा इसने। जरा सभी बाहर लेके जाएंगे, फूलों को देखेगी, चिड़ियों को देखेगी, उस पर बना देती है कविता, तो भगवान की। और वैसे ये स्कूल तो गई नहीं, अनपढ़ है, पर पढ़े लिखे के सिर में सवाल डालने वाली है। हाँ जी, कर लेती है, बहुत इंटेलिजेंट है, और शुरू से ही बचपन से ही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।